हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे उड़द दाल का चाकना, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप उड़द दाल, जो कि मैंने पानी में सोक किया था 1 आवर के लिए। मैंने इसका पानी ड्रेन करके रखा है। 1 मीडियम साइज़ अनियन, 2 मीडियम साइज़ चॉप्ड टमेटोज, सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन सीड्स यानी ज़ीरा 1 टीस्पून, मस्टर्ड सीड्स यानी राई दाना 1/2 टीस्पून, धनिया पत्ती यानी कोरिएंडर लीव्स, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, थोड़े से करी पत्ते यानी करी लीव्स, जिंजर 1 इंच जिंजर, जो मैंने इनको स्लाइस कर लिया है बारीक इस तरह, और 5 to 6 गार्लिक क्लव्स, जो मैंने इनको भी स्लाइस कर लिया है। अभी हम देखते हैं इसे बनाना कैसे है। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर कुकर है, इसमें हम फर्स्ट डालेंगे हमारा उड़द दाल। अभी इसमें नेक्स्ट जाएगा 2 कप पानी। हमने 1 कप उड़द दाल लिया था, इसके लिए हम डालेंगे इसमें 2 कप पानी और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। हम इसको अच्छे से मिलाकर अभी इसे देंगे 4 विजल्स। 4 विजल्स देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे उड़द दाल को गला लिया है, वो तैयार है। अभी हम इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल के यहाँ पे रखा है। हमारा पैन तैयार है, हम इसमें डालेंगे हमारे में नेक्स्ट जाएगा राई दाना यानी मस्टर्ड सीड्स और क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा, अभी इसमें नेक्स्ट जाएगा हमारी जिंजर, और गार्लिक। स्टव को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। और इसको अच्छे से भून लेते हैं। जिंजर और गार्लिक को थोड़ा सा ही ब्राउन करना है। तो यहाँ पे हमारा जिंजर और गार्लिक दोनों थोड़े ब्राउन हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें नेक्स्ट डालेंगे हमारे अनियन। हम अनियन को 2 to 3 मिनट्स के लिए अच्छे से तेल में सॉट कर लेंगे। मैंने अनियन को हल्के से सॉट किया है 1 to 2 मिनट्स के लिए। ये नरम हो चुके हैं। अभी हम इसमें नेक्स्ट डालेंगे हमारे टमेटोज। टमेटोज के बाद नेक्स्ट जाएगा नमक और रेड चिली पाउडर। हमें इसे अच्छे से मिला के, हमें यहाँ पे टमाटर टमाटर जैसे नहीं दिखना चाहिए, इसका अच्छे से एक पेस्ट बन जाए। इसे 5 to 7 मिनट्स के लिए अच्छे से भून लें। अभी यहाँ पे टमाटो का बिल्कुल एक पेस्ट जैसा बन गया है, ऑयल ऊपर आने लगा है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हमारा उड़द दाल, जो कि हमने 4 विजल्स दे के उसको बनाया था। हमारा उड़द दाल अभी हम इसको इसी मसाले में ऐड कर देते हैं। ऊपर से डालेंगे हम थोड़ी धनिया पत्ती यानी कोरिएंडर लीव्स, हमें इसे अच्छे से मिला के लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए दम पे रख देना है। मैंने यहाँ पे उड़द दाल को 5 मिनट्स दम पे रखा था, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा उड़द दाल बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़ेदार बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिए, एंड इट्स रेडी टू सर्व। तो हमारा उड़द दाल यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।